हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्ट होने वाला है वो है सर्वेइंग। बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका ओवर हो चुका है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल में जितने टॉपिक थे आपके RRBJE सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपके ओवर हो चुके हैं। आपने असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, पुराने क्वेश्चन बैंक के सॉल्व किए, वो मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। उसके बियॉन्ड आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल आप लोग एक साथ एज अ कम्बाइंड सब्जेक्ट पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि उसमें से सब्जेक्ट में से दोनों में से क्वेश्चन आने मिला के वो मोर देन 20 मार्क्स के अप्रॉक्स आएंगे क्वेश्चन। और मैंने आपको बोला था कि हो सकता है वो कंक्रीट वाले पोर्शन से ज़्यादा पूछें और बिल्डिंग मटेरियल से कम पूछें, या फिर ऐसा होगा कि बिल्डिंग मटेरियल से ज़्यादा पूछ लिया उन्होंने दो तीन टॉपिक्स और उसके बाद कंक्रीट से पूछे। तो जब भी आपने उसे पढ़ना है एक कम्बाइंड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है आज वो है सर्वेइंग। सर्वेइंग आप लोगों ने अपने सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ईयर या 2-1 या 2-2 ऐसा कुछ सेमेस्टर में सर्वेइंग आप लोगों ने किया। इसके लैब भी आपने कर रखे हैं, इसका प्रैक्टिकल भी आपने कर रखा है प्रॉपर वे में। बट यहाँ हमने सर्वेइंग पढ़ना, हमारा फोकस क्या होगा, हमारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो हमारे एग्जाम पैटर्न को आपने अगर पुराने क्वेश्चन बैंक को देखे होंगे, JEE एग्जाम्स के SSC हो या RRB हो, दोनों में आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन थ्योरी का होता है। 60-70% आपके थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, कई बार मोर देन 70% क्वेश्चंस भी आपके थ्योरी के होते हैं। रेस्ट कुछ पार्ट ऐसे हैं सर्वेइंग में जब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे तो जहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, छोटे न्यूमेरिकल जहाँ से बन सकते हैं। सर्वेइंग में आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं बट वो लेंथी न्यूमेरिकल्स होते हैं, और वैसे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनेंगे, जैसे लोकल अट्रैक्शन वाला टॉपिक है, एरर इन चेनिंग वाला टॉपिक है, वो सारे जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा पैरेलली बताता जाऊंगा आपको कि कौन से टॉपिक्स में से आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, किन फॉर्मूलेज पे आ सकते हैं और वो न्यूमेरिकल किस टाइप के होंगे। उसके आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। बट ये बात आपने ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो थ्योरी होगा आपका। तो बेसिकली क्या होता है, जब सर्वे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर एग्जाम में, या ऐसे भी बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं सर्वेइंग की तो वो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेल एंड गुड। बट न्यूमेरिकल आपका काम यूजुअली कन्वेंशनल पेपर में ज़्यादा आता है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव पेपर्स। बट ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आपके क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल तो सारा लगा रखा है बट वहाँ पे डाउट्स आते हैं। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर वहाँ तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरी पूछ ली, सर्वे में तो थ्योरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आपका मिसकॉन्सेप्शन है, थ्योरी है यहाँ पे। थ्योरी जब मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बोला भी था कि बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली थ्योरी है, बट आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 60-70% सर्वे भी थ्योरी है। 30% मैक्सिमम, एट मैक्स वो 30% ही क्वेश्चन रेज करेंगे आपके न्यूमेरिकल पार्ट से सर्वेइंग में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो उन्होंने देखना है वो आपका रहेगा थ्योरी पोर्शन का। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिलेबस उसका देखेंगे कि उसके सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स हमने देखने हैं, कौन से टॉपिक्स हमने देखने हैं, उस टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे और वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से कम्प्लीटली थ्योरी के क्वेश्चन रेज होंगे, वे कौन से टॉपिक हैं जहाँ से न्यूमेरिकल रेज हो सकते हैं और वो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ये सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, प्रॉपरली आप लोग इसे देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोल रखा है कि पहले आपने सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर सिलेबस को प्रॉपर डायरेक्शन में समझा कि हमें क्या पढ़ना, हमारी रिक्वायरमेंट क्या एग्ज़ाम की, तब आप नेक्स्ट जो टॉपिक्स आते हैं उसे आप प्रॉपरली समझ पाओगे और उस पर्टिकुलर परसेप्शन से आप फोकस कर पाओगे कि हमें इन चैप्टर्स में या इन टॉपिक्स पे मोस्टली थ्योरी पार्ट को देखना है, इन चैप्टर्स या इन टॉपिक्स को हमने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर वो आपका सिलेबस है जो RRBJE के अकॉर्डिंग है। तो आज हमारा सब्जेक्ट जो स्टार्ट होने वाला वो क्या है, सर्वेइंग। सर्वेइंग सर्वेइंग मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। सिलेबस आपका क्या है जो RRBJE अकॉर्डिंग है, जो आपके RRBJE के अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ RRBJE के अकॉर्डिंग आपका जो पैटर्न है, आपका जो सिलेबस है वो मैं RRBJE के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जो टॉपिक्स हमने देखने हैं, जो उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस में ये मेंशन है कि उन्होंने ये टॉपिक्स पूछने हैं, तो उन्होंने 11 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, 11 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, या आप उसे 11 चैप्टर्स कह सकते हो।
बट मोस्टली उसके जो लेटर एजेस के चैप्टर्स हैं, पहले स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स जो हैं आपके, वो डिटेल में आपने पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका रेज होगा। लेटर टॉपिक्स जो आपके हैं वहाँ से क्वेश्चन रेज होगा, बट वहाँ हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है। जैसे आपने बिल्डिंग मटेरियल में भी देखा, कॉन्क्रीट में भी देखा, इनिशियल स्टेजेस के जो चैप्टर थे वो बहुत एलाबरेट वे में थे, उनमें नंबर ऑफ टॉपिक्स थे, बट लेटर स्टेजेस के जो हैं उनको आपने बेसिक पढ़ना, उनके एक आध फॉर्मूले हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, जहां से वो क्वेश्चन जनरली रेज करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन बैंक देख रखा होगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बट एनी हाउ, अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं है, यहां पे हम लोग सारा कुछ पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला, बिल्डिंग मटेरियल और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में कि जो मैंने पढ़ाया और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा है, उसके बियॉन्ड आपने कुछ नहीं देखना है आपके जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम इट इज़ यहाँ पे आपके सर्वेइंग में भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, पॉइंट वाइज मैं बताऊँगा जो आपके एग्जाम में उन्होंने पूछना है जैसे, और वहाँ पैरेलली हम लोग उसे डिस्कस करते चलेंगे, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा और आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर्वेइंग के भी सॉल्व होंगे। वेटेज की अगर बात करें तो सर्वेइंग का भी अच्छा खासा वेटेज है, अप्रॉक्स 10%, 8-10% आपका सर्वेइंग का आएगा क्वेश्चन। तो सर्वेइंग आपका बहुत बेसिक है, आपने अभी तक बहुत सारे एग्जाम अगर दे रखे होंगे, जनरली अगर आपने जेई के एग्जाम दे रखे हैं अलग अलग, इवन स्टेट जेई या फिर आपने एसएससी का दे रखा हो, तो आपने देखा होगा सर्वेइंग के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे मिलते हैं। नेक्स्ट टू बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग के क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं और वो थ्योरीज क्वेश्चन रहते हैं और वो बहुत सिंपल होते हैं, अगर आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ रखा है या फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो बहुत बेसिक नेचर के रहते हैं, आपने डायरेक्ट फॉर्मूलेज में उसे पुट करने हैं और वहाँ से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो सर्वे का भी अच्छा खासा वेटेज है, मैंने बोला 8-10%। तो अगर आप बिल्डिंग मटेरियल, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी और सर्वे, जो मैंने आपको तीन टॉपिक्स बताए हैं जो मैं डील कर रहा हूँ आपके, उससे अगर ओवरऑल आप लोगे तो 30% के अप्रॉक्स आपका ये तीन सब्जेक्ट से कवर हो जाना है। तो दो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया आप उसे प्रॉपरली बार बार रिवाइज करो, वो आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वहाँ से हिट होने वाले हैं। नेक्स्ट जो मैं सर्वे में बोल रहा हूँ, सर्वे के वेटेज की मैंने बात की, 8-10% आपका होगा। अब हम इसके वो टॉपिक्स, वो सिलेबस को देखेंगे जो RRBJE के अकॉर्डिंग है। तो मैंने आपको बोला उन्होंने 11 पॉइंट्स में मेंशन कर रखे हैं अपने सिलेबस को। सो द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन मीन्स यहां पे आपने देखना है टाइप्स ऑफ सर्वे, सर्वेइंग एंड इट्स टाइप्स। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, और ये इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बेसिक बातें बताऊंगा मैं आपको, जो आपके कंप्लीट सर्वेइंग में वो हर जगह टर्मिनोलॉजी यूज होंगी और उन टर्मिनोलॉजी को आपने फोकस करना। जैसे मैंने बिल्डिंग मटेरियल में आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो उन प्रॉपर्टीज को आपने देखा कि वो सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, हार्डनेस, टफनेस, क्रीप, एब्रेशन। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा आपको इनसे रिलेटेड डेफिनेशन पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स आपके फर्दर जो टॉपिक्स हैं वहाँ यूज होंगे। तो अगर आपने इसे प्रॉपरली समझ रखा होगा तो आपके फर्दर जो टॉपिक्स जब मैं डील करूंगा तो आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है चेन सर्वेइंग। आपका क्या है, सर्वेइंग का एक टाइप है जिसमें हम चेन, मेजरली चेन यूज करते हैं बट टेप्स भी यूज करते हैं। मैं वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप आपको बताऊंगा, स्टील टेप्स होते हैं, इनवार टेप्स होते हैं और चेन्स भी होते हैं। तो चेन्स आपके जनरली आयरन या किसी मेटल स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं, मटेरियल के। तो चैप्टर का नाम चेन सर्वेइंग है, बट यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टेप के बारे में भी दूंगा, वो मैं जब फर्स्ट चैप्टर डील करूंगा तो वहाँ पे भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा आपका चेन और टेप का। बट चेन सर्वेइंग में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और किस मेथड से हम उसे सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चंस को। हालांकि मैंने बोला वो क्वेश्चंस डिटेल्स में होते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे रिलेटेड डेफिनेशन जो होंगे वो हम लोग पॉइंट्स देखेंगे जो यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रेज हो सकते हैं। तो ये चेन सर्वेइंग में मैंने बोला, ये चेन सर्वेइंग या टेप सर्वेइंग दोनों सेम इट इज़ है, बस उनके जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग हैं, वो चेन और टेप है, बट कॉन्सेप्ट जो हमारा है, जो प्रिंसिपल हमारा है, वो प्रिंसिपल सेम होगा हमारा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मैं इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, इसके ऑब्जेक्टिव्स के देखूंगा और इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी हम लोग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपास सर्वेइंग में क्या होता है हमारा, ये जो चेन सर्वेइंग है, चेन सर्वेइंग में मोस्टली हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, बट वो कितना इंक्लाइंड है, क्या डिग्री है, ये सारा कुछ हम लोग
कंपास सर्वेइंग में प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सर्वे यहाँ बताऊंगा इंट्रोडक्शन में जो सर्वेइंग एंड इट्स टाइप, तो इसके टाइप जो होते हैं बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन, प्राइमरी क्लासिफिकेशन एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होते हैं। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में कुछ टाइप्स आते हैं, सेकेंडरी में कुछ टाइप्स आते हैं, सेकेंडरी में डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कुछ सर्टन टाइप्स आते हैं। तो वहाँ ये सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे हैं वो हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, मैंने आपको बोला चेन एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा। कंपास क्या है? कंपास मैग्नेटिक कंपास होता है, सर्वेयर कंपास होता है, जिसमें आप एंगल देख सकते हो, जिसमें आप डायरेक्शन देख सकते हो कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये जितने मेजरली हमने जो सर्वेइंग में पढ़ने हैं टाइप्स, वो हमारा फोकस रहेगा इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमने यूज करना है उसके बेसिस पे हमारा सर्वे का क्या टाइप्स होगा वो हमारा मेजर फोकस होगा यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला सेकंड चैप्टर जो हमारा वो है क्या, चेन सर्वेइंग। चेन इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग और टेकिंग द वैल्यूज। कंपास सर्वेइंग आपका क्या है? कंपास सर्वेइंग भी आपका मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेवलिंग। सर्वेइंग और लेवलिंग में कुछ मेजर डिफरेंस है, कुछ एक कॉमन चीज जो कॉमन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। आपने अगर अपने टेक्स्ट बुक को देखा होगा तो जनरली जो टेक्स्ट बुक होते हैं वहाँ पे भी मेंशन होगा सर्वेइंग एंड लेबलिंग, या फिर आपके टॉपिक्स जो आपने एग्जाम में सेमेस्टर में पढ़ा होगा वहाँ पे भी पेपर का नाम होगा हो सकता है सर्वेइंग एंड लेबलिंग। तो कई लोग सर्वेइंग के पार्ट को समझ लेते हैं, लेबलिंग भी एक उसका चैप्टर, बट एक्चुअली सर्वेइंग और लेबलिंग में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। बट डिफरेंस ये है कि सर्वेइंग में हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, वहीं लेबलिंग में हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव पोजीशन या डायरेक्शन। तो ये डिटेल जब मैं यहाँ सर्वेइंग बताऊंगा तो आपके बारे में सर्वेइंग से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताऊंगा। लेवलिंग जब मैं बताऊंगा वहाँ पर मैं आपको ये भी डिफरेंस बताऊंगा कि हमने सर्वेइंग में क्या देखा था और लेवलिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं। बट एक कॉमन डिफरेंस जो आप एक लाइन में अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप ये बोल सकते हो कि सर्वेइंग में हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, वहीं लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअली कंप्लीट सर्वेइंग का हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि लोकेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो हमारे मैप के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं, या फिर डिफरेंट कोई प्लेट्यू, प्लेन, ऐसा जो भी फीचर्स है ज्योग्राफिकल, उन सबको अगर हमने डिटेल में पॉइंट आउट करना है तो जो मेथड हम अडॉप्ट करते हैं उसके रिलेटिव पोजीशन को। रिलेटिव पोजीशन क्या होता है? पोजीशन किसी का हम लोग एब्सोल्यूट डिटेल में नहीं दे सकते क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन हमें नहीं मालूम है एग्जैक्ट। ऑब्वियसली बात है आपको किसी न किसी के रिलेशन में उस डिस्टेंस को बताना हो। अगर आपने इंडिया के बारे में लोकेशन बताना है तो आप इंडिया बोलोगे कि 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है, स्टार्ट होता है वहाँ से 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। तो ये क्या एक रिलेटिव पोजीशन है, किससे, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के डायरेक्शन में, कि लॉन्गिट्यूड 0 से 180 डिग्री में इंडिया का पोजीशन यह है, तो वो रिलेटिव पोजीशन है, एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं है। यहाँ पे भी रिलेटिव पोजीशन का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताने किसी एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन, तो उसका लोकेशन के लिए आप उसके लोकेशन को बताने के लिए आप क्या करोगे, उसके सराउंडिंग एरियाज के लोकेशन को भी आप डिनोट करोगे कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से वो 180 मीटर डिस्टेंस पे है या वहाँ से ये 45 डिग्री इस डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव पोजीशन की हम हमेशा बात करते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशंस की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में आपको क्या डिफरेंस हो मैंने आपको बताया। तो रिलेटिव में हमेशा हम किसी के रिलेशन में उसको डिस्क्राइब करते हैं और एब्सोल्यूट क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। बट सर्वेइंग और लेवलिंग में जो एक्यूरेट डिस्टेंस या एक्यूरेट मेजरमेंट हमारा होता है, पोजीशन होता है, वो हमेशा रिलेटिव होता है। तो सर्वेइंग में हम हॉरिजॉन्टल रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करते हैं और लेवलिंग में हम लोग वर्टिकल करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे जब इन चैप्टर्स को डील कर रहा हूँगा मैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवलिंग में आपको कुछ टाइप्स पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। डंपी लेवल एक होता है इंस्ट्रूमेंट आपका लेवलिंग में यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज लेवलिंग टाइप्स है वो। उसके बाद हम यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग देखेंगे, रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है, फ्लाई लेवलिंग होती है। तो ये सारा हम लोग लेवलिंग में जब डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ डिटेल उसके देखेंगे, रेसिप्रोकल लेवलिंग हमने कहाँ यूज़ करना है, फ्लाई लेवलिंग कहाँ यूज़ करना है, तो वो सारे टाइप्स ऑफ लेवलिंग है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट्स, तो वो सारे चीज़ें हम यहाँ पर लेवलिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग एक्चुअली क्या होता है? कॉन्टूर्स क्या होते हैं? कॉन्टूर्स होते हैं
पोजीशन जो इक्वल हाइट पे इक्वल पोजीशंस को आप डिनोट कर रहे हो किसी मैप पे किसी लाइन के थ्रू, सो दैट इज नोन एज कंटूर। इक्वल इंटरवल्स होते हैं उसके, सेम पोजीशन सेम एलिवेशन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो आप जो डिनोट करते हो, जो रिलेटिव डिस्टेंस उनके बताते हो, रिलेटिव पोजिशन बताते हो, वो सारा हमारा कंटूर्स का फीचर है। तो कंटूर्स जब हम पढ़ा रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कंटूर इंटरवल क्या है, हमने कैसे डिसाइड किया कि अगर ये स्टीप कंटूर है या फिर नॉर्मल या यूनिफॉर्म कंटूर है, तो वो सारा कुछ हम लोग कंटूरिंग में वहाँ डिस्कस करेंगे। नॉर्मल एक कंटूरिंग का मतलब ये समझ लो कि पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, मीन्स सारे पॉइंट जो इक्वल एलिवेशन के अगर 100 मीटर पर हैं तो सारे पॉइंट्स 100 मीटर पर जो है वो सब एक सिंगल कंटूर में आ जाएंगे। सिमिलरली 102 मीटर पर हैं तो वो सारे पॉइंट जो इक्वल 102 मीटर पर वो सारे सेम कंटूर्स में आ जाएंगे। तो वो इक्वल एलिवेशन की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे, उसके क्या फीचर्स हैं और क्या सिग्निफिकेंस हमने सर्वेइंग में उसे क्यों पढ़ना है वो सारा हम लोग डिटेल में यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट में हमने क्या करना है, जो हमने डिफरेंट टाइप्स फॉर एग्जांपल हमारे सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, आपने कोई एम्बैंकमेंट लेना है, एम्बैंकमेंट आपने फॉर्म करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं से तो वो सॉइल लेके आओगे उसे भरने के लिए, या फिर आपने कहीं से तो सॉइल वो डिग किया, तो एक जगह से आपने सॉइल डिग किया दूसरी जगह आपने यूज करना है, तो वो एरिया क्या होगा, वो वॉल्यूम क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, उसके बेसिस पे तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को। तो हमें एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं एरिया फाइंड करने के, वॉल्यूम फाइंड करने के, ट्रेपेजॉइडल मेथड होते हैं, सिम्पसन मेथड होते हैं, मिड ऑर्डिनेट रूल्स होते हैं। तो ये इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर्मूला जो हमने यूज करना है, जो हम यूज कर सकते हैं एरिया और वॉल्यूम मेजरमेंट में, वहाँ हम लोग इसके बारे में देखेंगे। और ये टॉपिक है यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं आपके एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट से। आपके अगर कन्वेंशनल पेपर आप देखोगे जेई एग्जाम में जनरली एसएससी में, तो एरिया एंड वॉल्यूम के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पूछने के लिए, बट हमें उतने डिटेल में नहीं पढ़ने क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगा। तो इसके जो बेसिक फार्मूलाज हैं और वो फार्मूलाज किन सिचुएशंस में हमने यूज करने हैं उसके डिटेल में आपको एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो ये प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, ये भी टाइप ऑफ सर्वेइंग है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बोला हमें जितने टाइप्स यहाँ देखने हैं सर्वेइंग के, जो जो डिफरेंट टाइप्स हम देख रहे हैं वो सारा एक्चुअली हमारा टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उनके बेसिस पे हमारा डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है। वो सारे मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है। अगर आपने उसे प्रॉपरली समझ लिया तो आपके बाकी चीज़ों को समझने में बहुत इजी भी मैं आप समझ सकते हो, क्योंकि चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, इन सारे के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि उनका क्या यूज़ है और उसमें क्या क्या जो मेजरिंग है। मैंने आपको बोला एरर इन टेप्स होते हैं, एरर इन चेन्स होते हैं, तो वो सारे क्या एरर्स होते हैं, वो सारे के फॉर्मूलाज जो आपके डेफिनेशन जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट में, उन्होंने वैल्यू दे रखे हैं और अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आंसर वहाँ पर ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताऊंगा इन सब के बारे में ब्रीफ, और यहाँ पर सिर्फ इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सारे के बारे में बेसिक जो जानकारी वो हमें फर्स्ट चैप्टर में मिलना है, बट इनके जो एक्सक्लूसिव मीन जो सिर्फ इनसे चेन सर्वेइंग से या सिर्फ कंपास सर्वेइंग से या प्लेन टेबल सर्वेइंग से जो रिलेटेड है वो सारा हम लोग जब उस चैप्टर को डील कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एज पर आर जेई सिलेबस इज थियोडोलाइट्स क्या है आपके, थियोडोलाइट्स भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। ये थियोडोलाइट्स में आप क्या करते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट आप ये सारे एक साथ कैरी आउट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं हम लोग, वो वहाँ पे जब हम लोग थियोडोलाइट देखेंगे तो देखेंगे, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ चेन सर्वेइंग में मैंने आपको क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप इजिली मेजर कर सकते हो बट यहाँ पे आपको एंगल नहीं मेजर हो पाएगा। कंपास सर्वेइंग आपका क्या होता है, कंपास सर्वेइंग में आपने एंगल मेजर कर लिया, और भी एडवांस्ड वर्जन में जब आप जाएंगे तो थियोडोलाइट्स आते हैं, टोटल स्टेशन आते हैं,
टोटल स्टेशन आपने अपने प्रैक्टिकल जब सर्वे के किए होंगे फील्ड में तो वहाँ भी आपने देखा होगा, आपको बस उसे प्रॉपर फोकस करना होता है और वहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, सारा कुछ एंगल प्रॉपर वे में निकल के आ जाता है। तो वो भी एक टाइप ऑफ थियोडोलाइट है। टोटल स्टेशन, ये सब थियोडोलाइट्स, ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं और जिसके बेसिस पर आप उसके रिलेटिव पोजिशंस निकालोगे। क्योंकि मैंने आपको बोला सर्वेइंग में मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही एम ही यही है हमारा कि डिफरेंट पॉइंट्स के रिलेटिव पोजीशंस को हमने निकालना है, उनके फीचर्स को बताना है और दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू सर्वे। आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन को जब आप बनाना जाओगे, कोई बिल्डिंग आपने बनानी है, कोई डैम बनानी है, तो सबसे पहले आप उसका सर्वेइंग करते हो, उस एरिया की सर्वेइंग करते हो कि वो प्रॉपर है नहीं, प्लेन है या नहीं। तो अगर वो प्लेन नहीं है तो हम उसे कैसे प्लेन कर सकते हैं, तो प्लेन है या नहीं, वो प्रॉपर एलिवेशंस है या नहीं, वो सब हम कैसे चेक करेंगे, चिन सर्वेइंग से कर सकते हैं, कंपास, लेबलिंग, इन सारे चीज़ों से कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हैं जिससे हमने वो सर्वे करना है। अगर वो नहीं है तो फिर हमने क्या बोला था, एरिया एंड वॉल्यूम। अगर वो लेबल नहीं है तो हमें उसे लेबल करने के लिए या तो वहाँ पे कुछ सॉइल ऐड करने होंगे या रिमूव करने होंगे, तो वो सारे मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट से। तो ये सिग्निफिकेंस है आपका सर्वे का, इसलिए हमने सर्वे पढ़ाई की है। हमारा सर्वे एक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में और इसे भी बहुत बेसिक सब्जेक्ट आप कहते हो, आपने डिप्लोमा में अपने पढ़ रखा होगा, इंजीनियरिंग में भी इसे इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं, बीटेक वाले, तो वहाँ पे भी उन्हें लैब करवाया जाता है। और ये आपका एक प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट है सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन का। अगर आपने सर्वे प्रॉपर वे में कर रखा है तो आपका वर्क काफ़ी ईजिली हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है। अगर आपका सर्वेइंग में ही एरर है, आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं किए वहाँ के फीचर्स के बारे में, उनके रिलेटिव पोजिशंस के बारे में, तो अल्टीमेटली आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, बाद में वो डिले होगा, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, अल्टीमेटली कॉस्ट इंक्रीज होगा आपका। तो ये सारे चीज़ों को हमने विड्रॉ करने के लिए, प्रॉपर वे में हैंडल करने के लिए पहले सर्वे करना होता है। तो ये आपका क्या था, थियोडोलाइट्स मैंने बताया, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या यूज़ है वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्योमीटर सर्वे, टैक्योमीटर और टैक्योमेट्रिक सर्वे। टैक्योमीटर भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है और उससे जो सर्वे हम कैरी आउट करते हैं वो हमारा टैक्योमेट्रिक सर्वे होता है। टैक्योमेट्रिक में आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दोनों डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने ना तो चेन यूज़ कर रहा है ना तो कंपास यूज़ करना है। तो ये हम कैरी आउट कैसे करेंगे, ये हम स्टाफ से कैरी आउट करेंगे। स्टाफ क्या होता है, आपने देखा होगा, जो आप लोगों ने लैब कर रखा है आपको पता भी होगा, स्टाफ एक आपका वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ स्केल की तरह उस पर मार्क किए रहते हैं, वैल्यू मार्क किए रहते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, उसके बीच में सेंटीमीटर्स में मार्क किए रहते हैं। तो ये आपका स्टाफ है, स्टाफ क्रॉस स्टाफ होते हैं और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाफ होते हैं। तो स्टाफ के मेज़र से, स्टाफ के वैल्यू से आप उसे मेज़र कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, उसमें जो रीडिंग्स मार्क किए गए हैं उसके बेसिस पे। तो इस टाइप ऑफ सर्वे को, ये जो टाइप्स ऑफ सर्वे जिसमें आपने स्टाफ के यूज से आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस मेजर किया, वो हमारा सर्वे कौन सा होता है, टैक्योमेट्रिक सर्वे। टैक्योमेट्रिक सर्वे में हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और कैसे मेजरमेंट कैरी आउट करेंगे हम लोग डिटेल में देखेंगे जब टैक्योमेट्रिक सर्वे वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व्स, कर्व्स का आपका टॉपिक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स हम देखेंगे। कर्व्स में आपका ट्रांजिशन कर्व होता है और भी बहुत सारे कर्व होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में वहाँ, लैटरल ट्रांजिशन कर्व, ये कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो मोस्टली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट वहाँ पे भी आपके कुछ डिस्टेंस, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स और उनके वॉल्यूम हैं, वैल्यू हैं, जैसे आपका एपेक्स पॉइंट का क्या वैल्यू होगा और ये सब रिलेटिव पॉइंट जो हैं आपके, उनका रेडियल ऑफसेट आप कैसे फाइंड करोगे, इनसे जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वहाँ हम लोग कर्व्स में डील करेंगे। लास्ट टॉपिक जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 11th वन इज एडवांस्ड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। एडवांस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखेंगे। मैंने बोला ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं सर्वेइंग के, अब आपके पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ चुके हैं जो विदाउट एरर या बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से, 0.0001 मीटर एक्यूरेसी या सेंटीमीटर एक्यूरेसी से आपके वैल्यू को वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे एडवांस्ड सर्वेइंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या लार्ज स्केल पर अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, हाईली बेस्ड टेक्नोलॉजी, वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ों पे चलते हैं, आपके सॉफ्टवेयर से सारा कुछ वहाँ कंट्रोल होता है। जैसे मैंने टोटल स्टेशन आपको बोला, टोटल स्टेशन आपका एडवांस्ड में सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, वो सॉफ्टवेयर फीड रहता है, मेमोरी कार्ड उसमें होता है और वो आपके वैल्यूज़ को सारा
उसमें फीड करता रहता है और उसको आप फर्दर किसी सिस्टम में अपने लैपटॉप में या सिस्टम जो है वहाँ पे आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका टाइम सेविंग है और एरर भी होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे एडवांस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स में। एडवांस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में एक और टॉपिक है आपका रिमोट सेंसिंग एंड एरियल सर्वे। तो एरियल सर्वे क्या होता है, सर्वे जो आपने एरियल मीन्स एयर वे में से कर रखी है, जो डिफरेंट मोड्स हैं उनके थ्रू जो आपने सर्वे लिया है टॉप व्यू, वो आपका एरियल सर्वे हो गया। और रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग इज ऑल्सो हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। आप सैटेलाइट के हेल्प से, जीपीएस के हेल्प से, आप ओवरऑल ऑन अ लार्ज स्केल आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनके रिलेटिव पोजिशंस को डिटरमाइन करते हो। तो अल्टीमेटली आपको मैंने क्या बोला, सर्वे का हमारा मेन यूज़ क्या है, रिलेटिव पोजिशंस हमने फाइंड करने हैं डिफरेंट फीचर्स के ऑन आवर लैंड मास इस और वाटर बॉडीज ऑल्सो समटाइम, बट बेसिकली हमने जो कंस्ट्रक्शन करना होता है वो लैंड मास पे करने होते हैं, इसलिए मेन फोकस हमारा लैंड मास पे होता है। तो ये आपका सिलेबस है RRBJE के अकॉर्डिंग जो 11 पार्ट्स में है, हम लोग वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे। मैंने बोला सबसे मेजर वे में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं जो जनरल कॉन्सेप्ट है चेन सर्वेइंग या कंपास सर्वेइंग उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद चेन और कंपास सर्वेइंग हम वहाँ पे ब्रीफ उनके जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो एक्सक्लूसिव कंपास या चेन सर्वेइंग से रिलेटेड है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। लेवलिंग में मैंने आपको बोला वर्टिकल जो डिस्टेंस रिलेटिव पोजिशन हमने फाइंड करने हैं, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं वहाँ डिटेल में हम देखेंगे। कॉन्टूरिंग आपको बहुत स्मॉल टॉपिक है, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट ये फिफ्थ सिक्स आपका छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वहाँ कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने फाइंड करने हैं, वो ध्यान में रखना है कि उन फार्मूला से कैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग में मैं इनके डिफरेंट टाइप्स आपको बताऊंगा, इंटरसेक्शन होता है, रिसेक्शन होता है, रेडिएशन मेथड, तो ये सारे मेथड्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पे मैं दूंगा। नेक्स्ट वन इज थियोडोलाइट्स, टैक्योमेट्रिक सर्वे, कर्व्स एंड एडवांस। तो ये 8 to 11 जो है आपके माइनर टॉपिक्स हैं। थियोडोलाइट आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, टैक्योमेट्रिक सर्वे बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये एग्जाम जब आपके कन्वेंशनल होते हैं वहाँ से इनके क्वेश्चन रेज होते हैं। मैं यहाँ जब किसी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ या ये बोल रहा हूँ कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो मैं वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमने डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एलाबरेट वे में नहीं पढ़ाई करनी है। हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, तो इसलिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, पढ़ने का तरीका होगा, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ फोकस करने को कि सिलेबस वाले पोर्शन को, उस लेक्चर को, उस वीडियो को आप लोग प्रॉपरली देखो, वहाँ पर मैं डिटेल में बताता हूँ कि हमारा अप्रोच क्या होगा। बाद में कई बच्चे डाउट्स पूछते हैं, सर आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। एक्चुअली ये बात नहीं कि आपको बताना नहीं है, आपको सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ना है जिससे आपके एग्ज़ाम में जो आपके हेल्पफुल हो, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने बोला आपको अल्टीमेटली हमारा एम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर हमारे क्वेश्चंस में वो न्यूमेरिकल पूछेंगे नहीं 10 नंबर 20 नंबर के, हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो हम उसे पढ़ के अपना टाइम या एनर्जी क्यों वेस्ट करें, उसको हम यूज़ करेंगे जो टॉपिक्स हमारे हैं उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करने में। तो इसलिए आपका अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका एग्जाम का जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो क्वेश्चंस हमने देखने हैं यहाँ पे इन टॉपिक्स को, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो ऑब्जेक्टिव में रेज हो सकते हैं। जब आपका कन्वेंशनल पेपर होगा ऐसा कुछ, तो हम कन्वेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पढ़ाएंगे, वहाँ पे फिर हमारा चेंज हो जाएगा कि हम थियोडोलाइट या टैक्योमेट्रिक सर्वे या कर्व को ज़्यादा या एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा रेज होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल था सिलेबस का, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दिया हूँ सिलेबस के बारे में, इनसे क्वेश्चंस कैसे रेज हो सकते हैं वो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट वीडियो जब आप आएगा आपका, तो वहाँ पर मैं आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन मीन्स सर्वेइंग एंड इट्स टाइप्स, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वन बाय वन बाकी फर्दर टॉपिक्स को हम लोग वहाँ पर डिटेल में देखते जाएंगे और उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।